पार्ट 9 में हम देख चुके हैं पूपा ने टाइम को कहा था कि अगर वो पपाई को बिना काम के कॉल नहीं करेगा वो तभी उसे बचाएगा, बट वो मना कर देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 10 में हम देखते हैं पूपा जाने लगा था। टाइम कहता है हाँ हाँ करता हूँ, पर क्या तेरे पास मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कोई प्लान है? तो पूपा प्रपाई को मैसेज करता है। प्रपाई जानबूझ के कहती है अरे टाइम तो इसी जगह पे है, मुझे उसे देखने जाना होगा, और भागती है। टाइम की सारी फैन गर्ल्स भी उसके पीछे पीछे भागती हैं, पर प्रपाई तो वहीं रुक गई थी। और पूपा और टाइम हॉन्टेड हाउस से बाहर आ गए थे। टाइम पूपा का थैंक यू करता है और प्रपाई से कहता है प्रपाई मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पूपा कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे घर छोड़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पूपा प्रपाई को अपने साथ ले जाने लगा था तो टाइम उनके पीछे जाने वाला था, पर तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। तू सेलिब्रिटी होकर अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रहा है? और तूने फोटो की पोस्ट की, तेरी फैन गर्ल्स बावली हो रही हैं। टाइम कहता है ओके ओके मैं अभी घर चला जाता हूँ। पूपा और प्रपाई जा रहे थे तभी कुछ रिपोर्टर कहते हैं ये तो वही लड़की है जो टाइम के साथ थी, इससे पता होगा कि टाइम कहाँ है। प्रपाई पूपा को लेकर भागती है तो वो रिपोर्टर उनके पीछे भागते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलते क्योंकि वो दोनों तो वहीं पे छुपे हुए थे। प्रपाई खड़ी होकर देखने लगती है कि रिपोर्टर चले गए या नहीं, पर किसी को आते देख पूपा प्रपाई को पकड़कर नीचे खींचता है, बट वो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे इससे पहले कि प्रपाई और पूपा किस करते। तभी एक बच्ची आ जाती है जिससे उनका रोमांस डिस्टर्ब हो गया था। पूपा उस बच्ची को चुप होने का इशारा करता है तो वो बच्ची हाँ करती है, जिससे पूपा और प्रपाई दोनों हंस पड़ते हैं। प्रपाई कहती है थैंक यू आज मेरे पीछे पीछे आने के लिए। वो कहता है थैंक यू तो तुम्हें अपने फ़ोन की करना चाहिए जो तुम भूल गई थी। वो कहती है ओह वैसे सॉरी मैंने आज तुम्हारी डेट की प्रैक्टिस खराब कर दी। वो कहता है वैसे आज बहुत मज़ा आया, मैं तुम्हें किसी और दिन डेट पे लेके चलूँगा। नेक्स्ट डे का शूट अच्छा जाता है तो फीमेल मॉडल सबको साथ में आज सेलिब्रेट करने को कहती है तो सब हाँ करते हैं, जिसमें प्रपाई और टाइम को भी जाना था। तो प्रपाई पूपा को मैसेज कर कहती है मुझे आज घर आने में लेट हो सकता है क्योंकि स्टाफ के साथ डिनर पे जाना है। फिर वो सब लोग चीयर करके ड्रिंक करते हैं। फीमेल मॉडल कहती है चलो हम सब गेम खेलते हैं, जिसकी तरफ बॉटल रुकेगी उसे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, वो भी बिल्कुल सच सच, जो आंसर नहीं देगा उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। बॉटल टाइम की तरफ रुकती है तो प्रपाई उसके करीब होती है। टाइम तो उसे देखने लगा था, पर प्रपाई कहती है तुम सिर्फ खुद को लव करते हो ना। टाइम उसे फिंगर से पीछे को धक्का दे देता है तो सब हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट बारी में प्रपाई की तरफ बॉटल रुकती है तो टाइम उसे पूछता है क्या तुम ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हो। सब हैरान थे। प्रपाई पूपा के बारे में सोचने लगती है पर कहती है मुझे नहीं पता, और धीरे से कहती है पर अम्यूजमेंट पार्क में तो पूपा के साथ मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही थी। टाइम कहता है ज़रूर डरावनी चीज़ें देखकर ऐसा हुआ होगा, यहाँ आज तुम कुछ ज़्यादा ही टल्ली हो। प्रपाई को जब याद आता है कि पूपा ने ता से वावा का नंबर मांगा था तो गुस्से से कहती है हाँ हाँ ये ज़रूर हॉन्टेड हाउस की वजह से हुआ होगा, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तभी पूपा को छींक आ जाती है। प्रपाई कहती है तुम तो मेरे टाइप के भी नहीं हो। लोग हैरान थे कि आखिर प्रपाई बात किससे कर रही है, पर फिर सबके सब हंसने लगते हैं। प्रपाई भी पी पी कर टल्ली हो गई थी। पूपा को छींकते देख फ्रेंड कहते हैं लगता है कोई तुझे याद कर रहा है। तो पूपा प्रपाई का मैसेज देख लेता है और उसे कॉल करने लगा था। इधर सब लोग चले गए थे, पर प्रपाई जो टल्ली पड़ी थी उसे पूपा का कॉल आता है तो कहती है हेलो कौन, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ। वो कहता है तुम टल्ली हो, बताओ कहाँ पे हो या अपनी लोकेशन सेंड कर दो। प्रपाई उसे वीडियो कॉल कर कहती है मैं यहाँ हूँ। तभी टाइम आकर उसका फ़ोन ले लेता है और पूपा से कहता है दूसरों को मस्ती करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूपा पूछता है बताइए कौन सा रेस्टोरेंट है, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। टाइम कहता है रहने दे, रेस्टोरेंट ढूंढने में तुझे सदियों लग जाएंगी, मैं उसे घर छोड़ दूंगा, और फ़ोन काट देता है। पर टल्ली प्रपाई पट्टे देना अपना सिर टेबल पर ठोक लेती है। पूपा को याद आता है कि जब प्रपाई ने कॉल किया था तो वहीं रेस्टोरेंट का नाम लिखा था और भागने लगा था।
देन प्रोफेसर और फ्रेंड्स वर लाइक, वो ज़रूर अपने क्रश से मिलने गया होगा। इधर टाइम टल्ली प्रोपाई को लाद कर ले जा रहा था, पर फीमेल मॉडल उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। प्रोपाई टाइम की कार में बैठ जाती है। टाइम जैसी कार चलाने लगा था तभी पूपा उसकी कार के सामने आ जाता है और प्रोपाई को कार से बाहर निकालने लगा था, बट टल्ली प्रोपाई तो खुद से ही कार से निकल कर भागना स्टार्ट कर देती है और कहती है, पूपा और टाइम तुम दोनों डबल डबल क्यों दिख रहे हो। टाइम कहता है, तुम चूज़ करो कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो। प्रोपाई उन दोनों की तरफ देख रही थी और फिर टाइम की तरफ जाती है तो पूपा सैड होता है। प्रोपाई कहती है, टाइम काम हो गया, मैं रात को फ्री हूँ, ये पूपा तुम आ गए तो चलो मुझे घर ले चलो। तो पूपा उसे घर ले जाने लगा था, जिससे टाइम गुस्से में था। पूपा टल्ली प्रोपाई को ले जा रहा था। वो कहती है, दूर हटो मुझसे, मैं खुद ही जा सकती हूँ। और गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से चलो तुम गिर रही हो। वो कहती है, दूर हटो, तुम ध्यान रखो, बार बार मेरे क्लोज क्यों आते हो, तुम मुझे बार बार अपनी याद क्यों दिलाते हो। पूपा कहता है, क्या कहा। तभी प्रोपाई को उसके भाई का कॉल आता है जो पूछता है, तू टल्ली है क्या। प्रोपाई कहती है, कौन टल्ली, तू होगा टल्ली, मुझसे फाइट करना चाहता है क्या। तो पूपा उसका फ़ोन लेकर कहता है, मैं प्रोपाई का फ्रेंड बोल रहा हूँ, वो टल्ली है तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। भाई कहता है, तू कौन है। मॉम, एक लड़का प्रोपाई को घर लेकर जा रहा है। मॉम पूछती है, कौन हो तुम और मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो, पुलिस को कॉल कर दूंगी। पूपा लड़की की आवाज़ निकाल कर कहता है, हेलो आंटी, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं। प्रोपाई कहती है, क्या बक रहे हो, यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। वो प्रोपाई का मुंह बंद कर कहता है, आंटी प्रोपाई टल्ली होकर बकवास कर रही है। आंटी कहती हैं, हाय ये मेरी शैतान बेटी, थैंक यू, प्रोपाई का ज़रा ध्यान रखना। तो पूपा हाँ कहकर फ़ोन काट देता है। प्रोपाई कहती है, तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया, तुम्हें लगता मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ और मैं वावा की तरह तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। पूपा कहता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। प्रोपाई कहती है, मैं ना बहुत सुपर हॉट हूँ, देखो देखो, और एक्टिंग करके दिखाने लगती है। पूपा हंसता हुआ उसे पकड़ रहा था बट वो भाग रही थी और कहती है, तुम्हें मुझसे लव हो गया ना। तो पूपा उसे हक कर लेता है और फिर उसे उठाकर अपने बैग पे टांग लेता है, पर प्रोपाई उसकी गर्दन पे काट लेती है तो बेचारा चिल्ला पड़ता है। वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था तुम वावा को लाइक करोगे, क्या तुम जैसे जीनियस को लव की फीलिंग के बारे में कुछ पता भी है। वो कहता है, हाँ पता है, पर तुम ही ये नहीं समझ रही। और सोचता है, टाइम मेरा लव राइवल है, यानी मेरा न्यू वेरिएबल। मॉर्निंग में प्रोपाई उठती है तो सोचती है, मैंने तो कल रात ये कपड़े नहीं पहने थे, मैंने चेंज कब किए, मुझे याद क्यों नहीं है, अरे नहीं। और फिर पूपा से जाकर पूछती है, मैं कल रात घर कैसे आई। वो कहता है, तुम उठ गई तो कपड़े धोते ना, मैंने तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वो कहती है, पर कल रात तो मैंने दूसरे कपड़े। वो कहता है, अगली बार इतना ज़्यादा ड्रिंक मत कर लेना, अगर कहीं जाना हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना। वो कहती है, तो तुमने मेरे कपड़े नहीं उतारे। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के रख दिया, इसे पीने से तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। वो उसके कपड़े दे कहती है, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है तो तुमने हाई नेक के कपड़े क्यों पहने हैं। इनफैक्ट पूपा ने तो वो इसलिए पहना था ताकि प्रोपाई ने जो रात में उसकी गर्दन पे काटा था उसे छुपा सके, पर कहता है, लैब में बहुत काम है, मुझे जाना होगा, और भाग जाता है। प्रोपाई वास लाइक, पर इसने ये तो बताया नहीं कि इसने मेरे कपड़े चेंज किए थे या नहीं। इनफैक्ट जब रात में पूपा टल्ली प्रोपाई को घर लेके आया था तब उसने आंटी को कॉल कर बुला लिया था ताकि आंटी टल्ली प्रोपाई के कपड़े चेंज कर सकें, यानी उसने प्रोपाई के कपड़े चेंज नहीं किए थे। पूपा के फ्रेंड्स भी उसे हाई नेक के कपड़े पहनने का रीज़न पूछते हैं बट वो बात टाल देता है। प्रोफेसर पूछते हैं, तो कल रात का एक्सपेरिमेंट कैसा था। पूपा कहता है, मेरे एक्सपेरिमेंट में एक न्यू वेरिएबल आ गया है। फ्रेंड्स कहते हैं, तो तुझे अपने न्यू वेरिएबल पर रिसर्च करनी चाहिए, उनके सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा मतलब इक्विपमेंट्स देख कर। इनफैक्ट वो सबके सब लव एक्सपेरिमेंट को साइंस एक्सपेरिमेंट बोलकर बातें कर रहे थे ताकि मीना को पता ही न चले कि वो पूपा के लव के बारे में बातें कर रहे हैं। प्रोपाई को मदहोश देख उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, लगता तुझे लव हो गया है। वो कहती है, पगला गई हो क्या, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वैसे क्या तुम लोग बता सकते हो कि किसी को किसी से लव है या नहीं, मेरा मतलब कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। फ्रेंड्स कहती हैं, हाँ जब उसके क्लोज जाओ तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाए और जब तुम उसे किसी और के साथ देखो
तो तुम्हें बहुत गुस्सा आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम ज़्यादातर उसी के बारे में सोचो। तभी प्रपाई को पूपा दिखाई देने लगता है, तो वो जल्दी से जूस पीने लगती है, पर उसकी फ्रेंड्स हंस रही थी क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रपाई को किसी से लव हो गया है। घर पे आकर पूपा को देख प्रपाई सोचती है, क्या मैं पूपा को सच में लव करती हूँ? मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा, और जाकर उसके साथ बैठ जाती है। पर उसे हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी, तो धीरे धीरे पूपा के क्लोज होने लगती है और कहती है, अभी तक हार्ट बीट बढ़ क्यों नहीं रही? फिर पूपा की वॉच देख पूछती है, क्या ये वॉच हार्ट रेट भी बताती है? वो हाँ करता है, तो वो कहती है, एक बार मुझे देना, मैं भी ऐसी वॉच खरीदने की सोच रही हूँ। तो पूपा उसे अपनी वॉच निकाल कर दे देता है। वो जल्दी से वॉच पहन लेती है और पूपा के और क्लोज होने लगती है। पूपा उससे दूर होता है, बट वो तो बार बार ही उसके क्लोज हो जा रही थी, तो वो उठकर जाने लगा था। पर प्रपाई उसके पीछे पीछे, जैसे वो पलट कर देखता है, वो पूपा से ठुक जाती है और उसे गौर से देखने लगी थी। फिर प्रपाई देखती है कि वॉच में उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, तो वो हैरान थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रपाई की तरह अपनी हार्ट बीट देखकर चेक करना चाहते हो कि आप किसी से लव करते हो या नहीं, तो मैं आपको ये स्मार्ट वॉच बाय करने का सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इस वॉच में हार्ट रेट के साथ साथ और भी काफ़ी फीचर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं खुद काफ़ी टाइम से Realme 2 Pro स्मार्ट वॉच यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही ऑसम है फैशन में भी और काम में भी। तो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। हार्ट बीट बढ़ती देख प्रपाई भागने लगती है। पूपा उसे रोक लेता है और उसके करीब होने लगा था, तो प्रपाई डरते हुए पीछे होती है, और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।